In this video, I will let you know about how to create your meeting link in Google Meet through your Gmail account. तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप Gmail अकाउंट को यूज करके Google Meet का लिंक क्रिएट कर सकते हैं फॉर अ मीटिंग. तो ये मेरा Gmail अकाउंट है. उस मीटिंग को फिक्स करने से पहले हमें क्या करना होगा, हमें जाना होगा इस गूगल ऐप के जो आइकन है मेरी मेल पर. देखिए जीमेल अकाउंट है, दिस इज माई जीमेल अकाउंट. यहाँ पर से हमें जाना होगा इन द कैलेंडर. कैलेंडर में जाकर हम क्या करेंगे, हम अपना इवेंट डिस्क्राइब करेंगे. ये इवेंट पहले से एक डिस्क्राइब्ड है, एक इवेंट हम डिस्क्राइब करेंगे. फॉर दैट वी हैव टू क्रिएट द इवेंट. और इवेंट का नाम हम दे सकते हैं, टेस्ट मीटिंग. इसका नाम मैंने दे दिया टेस्ट मीटिंग. अब ये जो टेस्ट मीटिंग है ये मैं कब से कब तक देने वाली हूँ, तो इसको जो है मैं देखिए टाइम फ्रेम में मैं इसको बता सकती हूँ. क्या मैं इसको 15 अगस्त से स्टार्ट कर रही हूँ, आज से स्टार्ट कर रही हूँ. टाइम मैं इसमें दे सकती हूँ, क्या मैं इसका टाइम जो है वो 3:30 से 4:30 दूँ, क्या मैं इसका टाइम जो बात का है वो मैं चेंज कर सकती हूँ, 5 बजे तक चेंज कर सकती हूँ, या फिर मैं इसको ऑल डे कर सकती हूँ. ओके, अगर मैंने इसको ऑल डे कर दिया 15 तारीख को भी ऑल डे, और अगर मैं चाहूँ कि ये जो है वो 19 सितंबर तक ये पूरे दिन चले, ओके, और ये डेली चले, तो ये क्या होगा, डेली ये प्रोग्राम रन होगा, ऑल डे चले. या मैं क्या कर सकती हूँ, ऑल डे ना करके आई कैन फिक्स द टाइम 3:30 से 5:30, और एनी टाइम मैं इसको चेंज कर सकती हूँ, क्योंकि अब जो है वो टाइम मैं जो फिक्स कर सकती हूँ इसके बाद ही कर सकती हूँ. 3:30 बज गया है, मान लीजिए मैंने 4 PM से शुरू कर दिया, 1 घंटे की कम से कम मीटिंग होगी, 1.5 घंटे की मान लीजिए मैंने 8 बजे तक रख दी. तो मैं इस तरीके से सेटिंग कर सकती हूँ. अब मैं यहाँ पर गूगल मीटिंग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को अलाउ कर सकती हूँ. अब आप देखिए यहाँ पर कितने पार्टिसिपेंट आ रहे हैं, 100 पार्टिसिपेंट्स. सो 100 पार्टिसिपेंट्स कैन ज्वाइन द मीटिंग. दिस इज द लिंक. यहाँ से हम इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं, और कॉपी करने के बाद वी कैन डिस्ट्रीब्यूट. यही काम हम लैपटॉप से कर सकते हैं, यही हम मोबाइल से कर सकते हैं, और चाहे तो हम ये लिंक सीधे मेल कर सकते हैं, अपने को मेल करके फिर हम वो लिंक कहीं भी ऐड कर सकते हैं. देन आप देख रहे हैं यहाँ पर विजिबिलिटी मैं पब्लिक कर दूँ, विजिबिलिटी को मैं पब्लिक कर दूं. अगर सब देखना चाहते हैं तो इस अपने कैलेंडर में देख सकते हैं जिनको मैं इनवाइट करने वाली हूँ. पब्लिक अगर मैं इसको कर दूं, अब ये है कि मुझे कितने मिनट पहले ये एक नोटिफिकेशन देगा मेरे मेल पर कि इतने बजे ये मीटिंग होने वाली है, 10 मिनट पहले वो मुझे, जैसे मैं इसको चेंज कर सकती हूँ कितने मिनट पहले वो मुझे बता दे. अब मैं इसके कलर को चेंज कर सकती हूँ कि जो मेरी मीटिंग है वो येलो कलर की दिखे, जो भी मैं मीटिंग फिक्स करने वाली हूँ, ठीक है. और वी कैन गो टू द मोर ऑप्शंस, हम मोर ऑप्शंस में जा सकते हैं. अब ये गेस्ट को अलाउ, अगर मैं गेस्ट को परमिशन दे दूँ कि वो मेरे इवेंट को मॉडिफाई करे, ये मैं नहीं दूंगी. वो इनवाइट कर सके मैं उसको अधिकार नहीं दूंगी, और वो गेस्ट की लिस्ट देख पाए ये भी मैं उसको नहीं देना चाहती हूँ कि वो देख पाए. और यहाँ पर आई कैन ऐड द गेस्ट, जैसे मैं अपने को ऐड कर सकती हूँ उसमें गेस्ट की तरह, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कैसे ये होता है. ये मेरे पास क्या होगी, मेल चले जाएगी. अब आप देखिए यहाँ कुछ और कोई इस तरीके के और कोई इसमें ऑप्शंस नहीं है, तो वी हैव सेट द मीटिंग, सो वी कैन सेव द चेंजेस. इफ यू वांट टू सेंड द इनविटेशन ईमेल्स टू द गेस्ट, सो वी कैन सेंड. तो जो गेस्ट होगा उसके पास क्या होगी, एक मेल चली जाएगी. अब आप देख सकते हैं कि इस जो मेरा कैलेंडर था, अब मैं उसे देखूं कि उसमें क्या मीटिंग सेट हो गई है या नहीं हुई है. चेक आर कैलेंडर, हम अपना कैलेंडर चेक कर सकते हैं. यहाँ हम जाएं और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मैंने मीटिंग जो अपनी क्रिएट करी है, क्या वो मीटिंग दिख रही है नहीं दिख रही है. तो आई कैन गो टू द वीक, तो आप देख सकते हैं ये मेरी मीटिंग दिखाई दे रही है जो येलो रंग की है. मैं चाहे तो यहाँ से ज्वाइन कर सकती हूँ मीटिंग को, और चाहे तो मैं डायरेक्ट कहाँ से अपनी गूगल मीट को ज्वाइन कर सकती हूँ. देखिए यहाँ पर ऐप्स में मीट का आइकन है, यहाँ पर जाकर मैं देखिए ये टेस्ट, ये मेरे पास पहले से एक इनविटेशन है, टेस्ट मीटिंग में जाकर मैं क्लिक कर सकती हूँ. ये मीटिंग अभी शुरू नहीं हो पाएगी,
ये रेडी टू ज्वाइन अगर मैं जाऊँ इस पर, तो ये मैंने मीटिंग डिज़ाइन करी है, तो ये देखिए मैं इसमें मैं एंटर हो गई हूँ, और चाहे तो मैं इसको अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दूँ, अपना वीडियो ऑफ कर दूँ, आप देखेंगे कि इसमें क्या क्या फैसिलिटी है मेल के थ्रू, जीमेल के थ्रू। तो आप देखेंगे कि इसमें देखिए लेआउट को हम चेंज कर सकते हैं कि हमारा लेआउट कैसा दिखना चाहिए, ये किस तरीके से हमें ये दिखना चाहिए। इसमें एक ही पार्टिसिपेंट है अभी, फिर आप इसमें देख सकते हैं, फिर आप इसमें देख सकते हैं फुल स्क्रीन कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं इसमें नो रिकॉर्डिंग ऑप्शन, कोई रिकॉर्डिंग ऑप्शन इसमें नहीं है। तो ये जीमेल के थ्रू अगर हम करेंगे तो इसमें रिकॉर्डिंग ऑप्शन नहीं होगा। कि जो मैंने इनविटेशन मेल भेजी थी क्या वो मुझे आ गई है, तो मैंने अपने रेडिफ मेल में वो इनविटेशन मेल भेजी थी, ये देखिए मुझे मेल आ चुकी है, ये कैंसल्ड इवेंट का आया है, पुराना कैंसल्ड इवेंट है। तो अगर मैं इसको ट्राई करूं कि मुझे अपडेटेड कोई मेल आई है या नहीं आई है, लेट्स चेक अगेन, लेट्स सी, अब हम देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इन्विटेशन लिंक आ चुकी है, ये इनविटेशन लिंक के थ्रू फिर देन आई कैन ज्वाइन द मीटिंग, मैं इस मीटिंग को ज्वाइन कर सकती हूँ इनविटेशन लिंक के थ्रू, एंड आई कैन क्लोज माय वॉइस देन ज्वाइन द मीटिंग। सो देयर आर टू पार्टिसिपेंट्स नाउ, आई कैन सी देयर आर टू पार्टिसिपेंट्स, दो पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर हैं। तो ये हम एक जो इसका ड्रॉबैक है कि हम इससे एक तो 100 पार्टिसिपेंट्स को ऐड कर सकते हैं, दूसरा हम इसमें रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, इसमें अगर आप देखेंगे देयर इज नो रिकॉर्डिंग ऑप्शन, ओके। और यहाँ पर आप देख रहे हैं दो आपको स्टूडेंट्स दिखा रहा है, यहाँ पर अगेन ये जो आइकन बने हैं आई हैड डाउनलोडेड फ्रॉम द गूगल क्रोम, यू कैन सी फ्रॉम दिस गूगल क्रोम, दिस इज मीट अटेंडेंस, अगर हम मीट अटेंडेंस पे जाएंगे तो वी विल फाइंड गूगल मीट अटेंडेंस गूगल क्रोम, ओके। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेरे इसमें देखिए एक राइट का निशान है, और यहाँ पर और भी दूसरे तरीके के इससे रिलेटेड आइकन्स हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी तो मेरे उसमें आइकन है ये, देखिए इसको मैंने रिमूव कर दिया, ओके, देखिए रिमूव हो गया यहाँ से राइट साइन। अब मैं चाहूँ तो इसको ऐड भी कर सकती हूँ, तो मैं कैसे ऐड करूँगी, ये देखिए ऐड टू क्रोम। तो हमें क्या करना होगा, ये ऐड एक्सटेंशन है, इससे हमें अटेंडेंस लेने में हेल्प मिलेगी। तो ये मैंने अपने गूगल क्रोम में ऐड कर दिया है, ये यहाँ ऐड हो चुका है गूगल क्रोम में, चाहे तो मैं इसको हटा दूँ और चाहे तो मैं इसको, तो यहाँ पर ये है। बाकी मैंने इसमें और भी कुछ लिया हुआ है, देखिए ये एक एक्सटेंशन है, ये एक एक्सटेंशन है, दो तरीके का एक्सटेंशन है, जो कि ये एक्सटेंशन अटेंडेंस जो है वो देगा एक क्लिक पर, और यहाँ से CSV फाइल हम डाउनलोड कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से हम जो अटेंडेंस है उनको देख सकते हैं। तो एक मैंने ये डाउनलोड किया है, एक मैंने ये डाउनलोड किया है एक्सटेंशन, यहाँ पर हमें एक CSV फाइल मिल जाएगी, उस फाइल के थ्रू हम अटेंडेंस देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर आइकन अभी यहाँ पर हाईलाइटेड नहीं है, लेकिन जब हम मीटिंग में जाएंगे देन दीज आइकन्स विल बी हाईलाइटेड। आई अगेन कम टू दिस गूगल मीट, अब देखिए आप यहाँ पर ये आइकन रेड हो गया है, और इसके अंदर जो आइकन है ये अटेंडेंस का आइकन है, और यहाँ से देखिए मीट अटेंडेंस को हम कलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो लोग दिख रहे हैं, ये दो लोगों की अटेंडेंस देगा, अगर यहाँ पर दो लोग दिख रहे हैं तो दो लोगों की अटेंडेंस देगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसको डाउनलोड कर सकती हूँ अटेंडेंस को, ये देखिए यहाँ पर मुझे अटेंडेंस मिल गई कि मेरे इस क्लास में कितने लोग, देखिए एक मेंबर ये तब था, ये देखिए 3:43 पर एक मेंबर है मेरे उसमें, और मैं चाहे तो इस अटेंडेंस को कलेक्ट कर सकती हूँ, चाहे तो इस अटेंडेंस को मैं ये देखिए इससे मैं डाउनलोड भी क्लिक ऑटोमेटिकली सेव करेगा ये, ओके। तो इसमें अलग अलग तरीके हैं, तो सबसे अच्छा जो तरीका है जहाँ से ये डाउनलोड नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये देखिए हम यहाँ से सीधे सीधे कलेक्ट कर सकते हैं अटेंडेंस, इसमें कोई हमें दिक्कत नहीं है, यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे और सीधे हमें अटेंडेंस मिल जाएगी।
सो आई हैड लेफ्ट द मीटिंग. तो आप देख सकते हैं कि फीचर्स हैं इस मीटिंग के, इस गूगल मीटिंग के, जहाँ पर हम अटेंडेंस भी कलेक्ट कर सकते हैं बच्चों की, और ये हमें टाइम टू टाइम अटेंडेंस दे सकता है. मेरे अलावा एक बाहर का मेंबर था, उसकी अटेंडेंस यहाँ पर आ गई. कितने बज के कितने मिनट का है, ये अटेंडेंस हमें मिलती जाएगी. वी कैन सेव दिस अटेंडेंस. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द जॉइनिंग द मीटिंग थ्रू आवर जीमेल अकाउंट. थैंक यू वेरी मच.